हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी स्टाइल लता ऑल इन वन। मैं आज आप लोगों को ये हेवेल्स की रिव्यू दूंगी और हेवेल्स से हेयर कर्ल, ये जो मैगी कर्ल मैंने किया है ये कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ये है हेवेल्स के चॉपस्टिक, ये सिरेमिक के हैं और इसके जो इंस्ट्रक्शन है सब यहाँ पर है। जैसे इसकी स्टिक की जो लेंथ है 7.7 × 10 है और ये देख सकते हैं इसका जो कॉर्ड है वो 360 डिग्री रोटेड है और इसके जो वायर है पावर पॉइंट जो है ये 1.8 मीटर है और ये है इसका स्टिक। ये देखिए आप होल्ड कर सकते हैं, जब ये सिरेमिक के है पूरा, इसकी जो स्टिक है ये 60 सेकंड में गर्म हो जाता है। प्लग ऑन किया और 60 सेकंड, बस एक मिनट के अंदर आपका ये गर्म हो जाता है ये स्टिक, और ये सिर्फ 5 सेकंड में आपका हेयर कर्ल हो जाता है। आपको बस ये छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, तो ये सिरेमिक का है और 5 सेकंड में आपको बस रोटेट करके करना है। इसका जो टेम्परेचर है 190 डिग्री सेल्सियस है और इसमें कोई टेम्परेचर अप एंड डाउन नहीं है, 190 है, फिक्स है और इसमें सिर्फ ऑन एंड ऑफ करना है आपको ये, और इसका ये होल्डर है, जब आप कर्ल कर रहे हो और रखना है तो ये होल्ड हो जाता है, ऐसे होल्ड हो जाता है, मेरे हाथ पे नहीं हो रहा है, टेबल पे होता है। 2 ईयर की गारंटी वारंटी है, हेवेल्स इसकी गारंटी दे रहे हैं, वारंटी दे रहे हैं और इसका सबसे बड़ी अच्छी बात है कि 24 आवर्स में आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी इश्यू आता है इसमें, तो आप अगर कंप्लेन करेंगे हेवेल्स के कस्टमर केयर में तो आपको 24 आवर्स में वो आपके घर पे आएंगे, ये होम सर्विस देंगे। तो ये सबसे बड़ी अच्छा लगा मुझे कि होम सर्विस मुझे मिल जाएगा, मुझे भटकना नहीं पड़ेगा कि इसके हेवेल्स का ये ढूंढो या अमेजोन को कॉन्टेक्ट करो, आप इसके कस्टमर केयर में फोन करेंगे। ये है इसका, ये बॉक्स में टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ज्यादा कैच नहीं कर रहा है, तो आप टोल फ्री नंबर पे फोन कीजिए और आपको 24 आवर्स में आपके घर पे आ जाएंगे। मैंने ये परचेस किया है अमेजोन से और इसका प्राइस है 1499। इसका रियल प्राइस जो है आप देख सकते हैं ये 2295 है, शायद नहीं दिख रहा है, 2295 इसका रियल प्राइस है और मुझे 1499 में मुझे मिला है अमेजोन से। ये आप चेक करते रहना कि डिस्काउंट कब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अप एंड डाउन होते रहता है प्राइस में, तो आप एक बार चेक कर लेना। मैं तो हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे ऐसे मैगी कर्ल बहुत दिनों से करना था और मेरा मैगी कर्ल मेरा हो गया है, तो थैंक यू हेवेल्स एंड थैंक्स Amazon कि मुझे इतनी कम प्राइस में ये चीज मिला है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है, मैंने ये हेयर कर्ल करके आप लोगों को डेमो भी दे दिया है, तो ये हेयर कर्ल मैंने कैसे किया है मैं अभी दिखाऊंगी, तो चलिए देखते हैं हेयर कर्ल करना और ये हेयर ये स्टिक के डेमो, ये स्टिक के मैं डेमो भी आपको दूंगी। इसका जो वायर है देखिए कितना लंबा है, ये 1.8 मीटर का कॉर्ड है और इसका जो है ये जो रोटेट होता है 360 डिग्री रोटेशन में है, तो आप कहीं पर भी इसको कॉर्ड लगा के ये कैसे भी आप कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि इस तरफ से घूमेगा नहीं, तो आप अच्छी तरह से ये कर सकते हो कि मैं इस हाथ से करूँ फिर इस हाथ से, तो ये कॉर्ड जो है 360 डिग्री रोटेशन में है और ये
हीट हो जाता है 60 सेकंड में। तो मैं अभी ये कनेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर ये देखिए पावर दिया है, ये सिर्फ ऑन करना है, इसमें कोई पावर सेटिंग नहीं है, बस ऑन ऑफ है। तो ये आपको सिर्फ ऑन करना है और 60 सेकंड मतलब एक मिनट सिर्फ वेट करना है। और ये है होल्डर कि आप ऐसे रख सकते हो, तो मैं ऐसे रख लेती हूँ और पहले एक सेक्शन बना लेते हैं। अब ये इतना छोटा सा बाल आपको लेना है और ये गर्म हो गया है। अब मैं ऐसे इसको 5 तक गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए ये देखिए मैंने ब्लैक ड्रेस पहना है तो शायद ये देखिए 5 सेकंड में, बस आप 1, 2, 3, 4, 5 आप काउंट कीजिए, आपका ये कल रेडी। ओके, तो मैं ऐसे करके पूरा करूंगी। तो मैं ये मैंने लूज कर्ल लिया है, मुझे मैगी कर्ल करना है तो मैं मैगी कर्ल भी करके दिखाती हूँ आपको। मैगी कर्ल के लिए आपको और छोटा सा सेक्शन लेना है और इसको यहां से और ये मैं मैगी कल करूंगी तो फिर 6-7 तक काउंट करूंगी। मैं इसको मैं काउंट करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बस 8। अब मैं इसको ये देखिए ये मैंने 7 तक काउंट किया है तो ये ऐसे कर्ल हो गया है। इसको ओपन में इसका मेरा ये जो है आपका लास्ट नॉट ये आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, जैसे मेरे हाथ से छूट गया तो मुझे उल्टा घुमा के ओपन करना पड़ा। तो ये हो गया है आपका डेमोस्ट्रेशन में, आप 5 तक काउंट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट और 7 तक काउंट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट। तो आपको देख सकते हो कि कितने अच्छे रिजल्ट हैं। अब मैं ये पूरे बालों में करूंगी। तो ये हीट प्रोटेक्टर प्लीज यूज कर लीजिए, जैसे मैंने यूज कर लिया है आप लोगों को डेमो दिखाने से पहले। मैं अभी ये दिखाती हूँ कि को ऐसे और बस ऐसे करना है, पंप करने के बाद बस मिक्स करना है पूरे बालों में, ऐसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 2-5 मिनट आप रख दीजिए। सबसे बेस्ट पार्ट आपको ये यहाँ पर जो है ये अच्छा है कि गर्म हो जाए तो आप यहाँ पर होल्ड कर सकते पकड़ के। अब मैं हेयर कर्ल कर रही हूँ, ये मैं चॉपस्टिक से हेयर कर्ल कर रही हूँ और आज मैं हेयर कर्ल में मैगी कर्ल कर रही हूँ। तो इसमें एकदम छोटे छोटे सेक्शन लेना पड़ता है बालों के और उसको ऐसे ही इसके स्टिक में अच्छे से रोटेट करना पड़ता है। देखिए मैं कर रही हूँ ऐसे एकदम टाइट करके इसको स्टिक पे ऐसे रखना पड़ता है। ये देखिए ये हो गया है, अब मैं इस तरफ कर रही हूँ। और ये मैगी कर्ल में कोई राइट लेफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मिक्स एंड मैच करके आप कर्ल कर सकते हो। बस ऐसे ही पतले पतले सेक्शन लेना है।
आप ज़्यादा बाल भी लेके कर सकते हैं, बट वो मैगी कर्ल नहीं होगा, वो बड़े जो लूज कर्ल होता है वो वैसे कर्ल हो जाएगा। आप कभी भी अगर हेयर कर्ल करें या हेयर में कोई भी हीट की चीज़ आप करें, तो आप पहले हेयर प्रोटेक्टर स्प्रे कर लीजिए बालों में। अब बैक साइड हो गया है, अब मैं फ्रंट में करूँगी। और मैं आज हेयर में हेयर स्प्रे यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मैगी कर्ल में कर रही हूँ ये वैसे ही 2-3 दिन तक रहता है। अब मैं फ्रंट के बालों में कर्ल कर रही हूँ, फ्रंट की तरफ में, सामने की तरफ ये स्टिक में बालों को घुमा लूँगी। पीछे के बालों को मैंने पीछे की तरफ घुमाया और फ्रंट के बालों को मैं फ्रंट की तरफ घुमा लिया है बालों को, कि ये मुझे बालों में फ्रंट की तरफ ज़्यादा हैवी और ज़्यादा वॉल्यूम रहे। और जब भी आप स्टिक में बालों को लपेटें, फिर उसके बाद उसके जो एंड है बालों का वो आप अच्छे से पकड़ के रखें, नहीं तो वो अगर छूट जाता है फिर आपको स्टिक से बाल निकालना बहुत शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिसको आता है वो अच्छे से कर सकता है, कि एंड से अगर बालों का एंड अगर हाथ से छूट गया है तो स्टार्टिंग से वो निकाल सकते हैं स्टिक को। तो आप ध्यान से करें। हेयर कर्ल हो गया है, अब मैं ऐसे हाथ से सेट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं बालों को मैं ऐसे थोड़ा सेट कर रही हूँ। अब ये हेयर कर्ल हो गया है, मेरा हेयर कर्ल कंप्लीट हो गया है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। ये हेवल्स की चॉपस्टिक से मैंने ये मेरा लुक किया है। तो मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी ऐसा कोई चॉपस्टिक जो मेरे रेंज में हो, जैसे सस्ता टिकाऊ। ये 1500 है, तो मुझे लगता है हर कोई ले सकते हैं, और मुझे इतना महंगा नहीं खर्चा करना था, तो 1500 मेरे लिए ठीक है। और 1500 में मैंने पाया ये मैगी कर्ल। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखते हुए इंजॉय भी किया हो, और मेरी वीडियो और ये चॉपस्टिक के रिव्यू अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए। थैंक यू।